अक्षय कुमार जब अपनी फिल्म बेल बॉटम को थिएटर में रिलीज कर रहे थे तब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट इस फिल्म को लेकर थी। हालांकि सिनेमाघर में दर्शकों की भीड़ भारी मात्रा में नहीं जुटी। इसके बावजूद फिल्म में अक्षय की एक्टिंग और कहानी को लेकर फिल्म को हिट साबित कर दिया गया। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि अक्षय कुमार की ये फिल्म अब पाकिस्तान के बाद 3 अन्य देश में भी हो चुकी है बैन। इसका क्या कारण है और कौन से देश हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 19 अगस्त को रिलीज़ हुई बेल बॉटम को जहां भारत में दर्शकों का खूब प्यार मिला, वहीं खबर है कि इसे सऊदी अरब, कुवैत और कतार में अब कर दिया गया है बैन। आखिर इसमें वजह यह है कि वहां पर बताया जा रहा है कि इस घटना पर यहां पे बॉलीवुड ने इतिहास से छेड़छाड़ की है और पूरे तरीके से इस हाईजैक का जो क्रेडिट है वो इंडियन रॉ टीम को मिल गया है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कुवैत और कतर का कहना है कि यहाँ पर हमारी पुलिस की टीम का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था इस हाईजैक में इंडिया का सपोर्ट करने में, और वो इस फिल्म के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। यही कारण रहा कि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने के कारण फिल्म को इन 3 देशों में भी कर दिया गया है बैन। वहीं पाकिस्तान को तो इस फिल्म के अंदर पूरे तरीके से आतंकी संगठन दिखाया गया है, तो वहाँ पर तो ये फिल्म वैसे भी रिलीज़ नहीं होने वाली। इस खबर को सुनकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कर दीजिए देखो देखो यूट्यूब चैनल को, क्योंकि दोस्तों आपको आने वाली खबर यहाँ मिलेगी सबसे पहले।